नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड की बातें। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने आया हूँ कि ये बहुत ही खास और बहुत ही जो स्मरणीय रहेगा, अलग ही चीज है। इसका नजारा हमारे बुंदेलखंड में ही है, और चूंकि कई लोगों को पता भी नहीं है कि बुंदेलखंड में है क्या क्या, तो विशेष तौर पर आप देवगढ़ आए, और देवगढ़ की ऐसी पुरातत्व विभाग से ऐसी चीजें हैं, ऐसी संपदा है, इसको एक बार जरूर देखें। आप फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों के साथ आए, आप अदरवाइज किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो आप 5 से 10 हजार रुपए खर्च करते हैं। यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे शुद्ध बिल रस्ते हैं, प्राकृतिक संपदा है, और प्राकृतिक संपदा के साथ साथ यहाँ के रिवर, यहाँ की नदी का, यहाँ के पानी का, यहाँ के पर्वत का, यहाँ के पत्ते का, यहाँ की जड़ी बूटियों का, आपके स्वास्थ्य के लाभ तो पहुंचेगा, साथ में आपको एक ऐसा नजारा मिलेगा, आपको ऐसा नजारा मिलेगा देखने के लिए जो आपको अनुभव देगा कि क्या क्या हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में चीजें। तो जरूर आए, देवगढ़ में हमारा देवगढ़ क्षेत्र है, क्योंकि ललितपुर से बहुत पास में है, ज्यादा दूरी पे है नहीं, लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी है। ये पर्वत का जो हमारा पीछे का हिस्सा है, वहां पे उसके जस्ट पीछे नदी है, नदी में बोटिंग है, और बोटिंग के साथ साथ ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों पे नेचुरल तरीके से रास्ते काटकर सड़क बनाई गई है, जीने बनाए गए हैं। उसे आकर आप देखें, क्या कि ऊपर की पर्वत देखें, कितना ही सुंदर आप बनाने की कोशिश करें, लेकिन आप घर पे नहीं बना सकते, लेकिन बुंदेलखंड में ये सब चीज उपलब्ध है। तो आप लोग बहुत विशेष, मेरा आग्रह है कि बुंदेलखंड की चीजों को अभी तक जैसे संभाला है, उसी को आप लोग सहयोग करेंगे तो हम लोगों के बुंदेलखंड में विकास होगा, रोजगार के अवसर होंगे, और विकास की एक नई गाथा लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश, उसी में आता है हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मेरा यूट्यूब चैनल है, बुंदेलखंड की बात है खरी खबर। तो विशेष आपसे आग्रह, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, बुंदेलखंड में ऐसा क्या नहीं है जो आप लोग दूसरी जगह जाकर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ हमारे नेचुरल तरीके की चीज़ें जो उपलब्ध है उसको देखें। यहाँ पर हम भैया से कहेंगे वो कैमरा थोड़ा ऊपर लेके, यहाँ का नदी, यहाँ के जो रोजगार के साधन है उनको भी बताएं कि आप